नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बी या 3.0 चैनल पर स्वागत है। आज का टाइटल है जब पूरी दुनिया उसे टीम से निकालने की तैयारी में थी, ए ड्रीम कमबैक ऑफ विराट कोहली। ये द कमेंट्री चैनल से आप लोग जरूर देखिएगा। ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाद में करते हैं वीडियो के बाद स्टार्ट। जब जिंदगी देने पर उतर आती है तो रंग को भी राजा बना देती है, मोहल्ले के क्रिकेट प्लेयर को मुल्क का सुपर स्टार बना देती है। और जब वही जिंदगी छीनने पर उतर आए तो पहले पहचान, फिर विश्वास और अंत में जगह छीन लेती है। ये कहानी है क्रिकेट के किंग कोहली की। एक वक्त था जब उस बंदे का क्रिकेट में राज था। क्रिकेट की गलियों में बॉलर्स उसके नाम से खौफ खाते थे। फिर वक्त बदला, हालात बदले, परफॉर्मेंस बदली, लोग बदले और बदल गए बयान। वही लोग खुलकर उसे गाली देने लगते हैं जो उसे खुलकर सपोर्ट किया करते थे। वही लोग उसके बारे में अनवांटेड कमेंट करते हैं जो उसके तारीफों के पुल बांध दिया करते थे। पिछले 2.5 साल उसको बहुत कुछ सिखा गए। पहले शतकों का सूखा, फिर फॉर्म पर सवाल, कप्तानी गई और अब टीम इंडिया में सिलेक्शन पर भी सवाल। कोई मीडिया में ट्रोल कर रहा था तो कोई कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर रहा था, क्या विराट कोहली इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाएंगे? क्या विराट कोहली T20 के प्लेइंग 11 से बाहर बिठाए जा सकते हैं? देखिए, अब तो बैठाए जा सकते हैं। कोई बूढ़ा विराट कह रहा था तो कोई बेकार का प्लेयर बता रहा था। कोई खुलेआम नसनिया कह रहा था, विराट कोहली का डांस देखे, छमिया नाच रही है, तो कोई उसके एग्रेशन, उसके एटीट्यूड को फेक बता रहा था। अब उसके फैंस भी हार मान चुके थे, क्रिटिसिज्म की हदें पार हो चुकी थी। उसके सपोर्टर्स भी अब उसका मजाक बना रहे थे, उस पर मीम पर मीम बन रहे थे और उन्हीं मीम्स पर ये दुनिया हंस रही थी। कोई सजेशन पर सजेशन दे रहा था तो कोई उसके सिलेक्शन पर भी सवाल उठा रहा था, यानी उसके खिलाफ उसका सब कुछ था। कोई भी आता उसे ट्रोल कर जाता। अब मोहल्ले के क्रिकेटर भी क्रिकेट एक्सपर्ट बन चुके थे। विराट का पैर यूं था और उनका बैट ऐसे। अच्छा, फ्रंट फुट ना पहचानने वाला इंसान भी उसके खड़े होने पर सवाल उठा रहा था। अब आप फ्रंट फुट निकालिए। कौन सा वाला फ्रंट फुट? तो फ्रंट फुट ही होगा। नहीं, फ्रंट फुट खेलना किधर, एक्सपेरिमेंट करके। आप आगे तो निकालो पहले ये इतना, क्योंकि उसका वक्त ही उसके साथ नहीं था। तो सुनिए द डॉक्यूमेंट्री में नई कहानी, द किंग कोहली की कमबैक स्टोरी, बिल्कुल हमारे नए अंदाज, नए आवाज में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल था 2019 और जगह थी कोलकाता ईडन गार्डन। तो यही वो आखिरी जगह थी जहाँ किंग कोहली ने अपना बल्ला लहराया था। यही वो आखिरी जगह थी जहाँ किंग कोहली का आखिरी शतक आया था। इसके बाद 2.5 साल बीत जाते हैं किंग कोहली को अपना 71वां शतक बनाने में। कोरोना आया, वैक्सीन आई, लेकिन कोहली का शतक नहीं आया। दो IPL हो गए, कोहली से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं। फिर वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर, कप्तानी का प्रेशर, T20 से खुद छोड़ी और वनडे से कप्तानी छीन गई। BCCI विराट दोनों में सवाल जवाब हुए। अब पूरी दुनिया के सामने BCCI वर्सेस विराट कोहली चल रहा था। विराट अपने जिद में थे और BCCI अपने जुनून में। पहले BCCI से कम्युनिकेट किया, सबसे पहले मैंने BCCI को अप्रोच किया, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टेंसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। और साल के शुरुआत टेस्ट कप्तानी से भी इस्तीफा। अब सब कुछ दुनिया के सामने था, पूरी दुनिया में BCCI वर्सेस विराट चल रहा था और इन दोनों के बीच की दरार का मजा पूरी दुनिया उठा रही थी। आज हम आपको क्रिकेट की राजनीति के बारे में बताएंगे। आपको लगता होगा कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल ही तो है, लेकिन इस खेल में भी राजनीति का खेल चलता है। आज विराट कोहली ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रिकेट में चल रहे राजनीति के खेल को सबके सामने उजागर कर दिया। विराट कोहली ने कहा कि उनसे वनडे टीम की कप्तानी लेने से सिर्फ 1.5 घंटे पहले BCCI ने उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि वो अब वनडे टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। अब सब कुछ दुनिया के सामने था और इन्हीं सवालों के बीच में विराट के परफॉर्मेंस में गिरावट आई। अब तैयारी होने लगती है विराट के रिप्लेसमेंट की। कोई श्रेयस को सजेस्ट कर रहा था तो कोई सूर्या को, जितनी मुंह उतनी बात थी। लेकिन अब भी सबके सामने एक ही सवाल था, आखिर कौन करेगा विराट को रिप्लेस? कौन देगा वो विश्वास जो पिछले कई सालों से विराट कोहली पूरे भारत को देते आ रहे हैं?
कौन बनेगा नए भारत की नई पहचान। कई सजेशंस मिले, कई सिलेक्शंस हुए। अब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। कई साल बीत चुके थे उसके आखिरी शतक को। क्रिकेट पंडितों का पूरी तरह से भरोसा उठ चुका था। क्रिकेट पंडितों को विराट पर कोई विश्वास नहीं था। लेकिन कह देना कि क्रिकेट का किंग अगर इतने में हार जाता तो फिर काहे का क्रिकेट का किंग। अगर कहानी यही खत्म हो जाती तो लोग कहते कि क्रिकेट का किंग हार गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने क्या खूब कहा है कि बुरा वक्त सबकी लाइफ में आता है, लेकिन बुरा वक्त अपनों की पहचान करा जाता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा था उसके साथ। एशिया कप 2022 से पहले उसके टीम में होने पर भी सवाल था। लोग उसके सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे थे, उसके सिलेक्शन को भारत की कमजोरी बता रहे थे। इसलिए मेरा मानना है कि अगर सूर्य नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते तो वो बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू की विराट कोहली। लेकिन कप्तान और टीम मैनेजमेंट को अब भी उस पर भरोसा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विराट के बारे में जब रोहित से कुछ पूछा गया तो रोहित का ये जवाब था। मैचेस खेले हुए, इतने साल से खेल रहे, इतने बढ़िया बैट्समैन है, तो उनको रीअश्योरेंस की जरूरत नहीं है। आई थिंक एक मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला था। फॉर्म तो ऐसे जो प्लेयर जो इतना साल खेले हुए और इतना रन बनाया है, इतने मैचेस जीता है, उनको एक या दो इनिंग की ज़रूरत रहती है, बस ये मेरा मानना है। आई एम श्योर सबका मानना भी यही होगा जो भी क्रिकेट देखते। पूरी दुनिया को उससे भरोसा उठ चुका था, पूरी दुनिया उससे विश्वास खो चुकी थी। लेकिन टीम मैनेजमेंट और उसके कप्तान को अब भी उस पर भरोसा था। इन सारे सवालों के बाद अब कहानी शुरू होती है उसके कमबैक की। जिस इंसान के एशिया कप में सेलेक्ट होने पर भी सवाल उठे थे, वही इंसान एशिया कप खत्म होते होते सब लोगों को जवाब दे चुका था। एशिया कप के पहले मैच में उसने वापसी के संकेत दिए और एशिया कप के आखिरी मैच में सबको जवाब दे दिया। उसने एशिया कप के आखिरी मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 71 मैचों बाद अपने करियर के 71वां शतक लगाया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस दी। फिर वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप के पहले मैच में उसने साबित कर दिया कि उसे क्रिकेट का किंग क्यों कहा जाता है, वो क्यों है क्रिकेट का बादशाह। पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई वो पारी पूरी दुनिया बता रही है कि उसके करियर की सबसे बेहतरीन पारी थी। उस दिन अगर वो इंसान ना होता तो शायद ही इंडियन टीम उस दिन मैच जीत पाती। उस दिन उसने ऐसी पारी खेली कि जो लोग उसे गाली दे रहे थे, उसके खिलाफ हेट स्पीच दे रहे थे, वही लोग उसे खुलकर सपोर्ट कर रहे थे, उसके सेलिब्रेशन पर सेलिब्रेट कर रहे थे। इस पारी के बाद लोग बदल गए, लोगों के बयान बदल गए, लोगों के बात करने का तरीका बदल गया। उस दिन सचमुच विराट ने विराट पारी खेली थी, एक ऐसी पारी खेली थी जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करेगी। ऐसा नहीं था कि विराट कोहली ने पिछले 2.5 सालों में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी। इस दौरान भी विराट बेहतरीन पारी खेल रहे थे, लेकिन इन 2.5 सालों के दौरान विराट की पहचान विराट के शतक नहीं निकल रहे थे। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कैसी लगी विराट की कमबैक स्टोरी। और अगर आप विराट के बारे में अमेजिंग अननोन फैक्ट्स जानना चाहते हो हमारी आवाज में, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर एस जरूर लिख दीजिएगा। हम जरूर लेकर आएंगे अपनी आवाज में विराट के सम अमेजिंग अननोन फैक्ट्स। ये वीडियो खत्म। स्टोरी बहुत हार्ड था विराट कोहली का, जो 2.5 साल तक फॉर्म नहीं था। इसलिए जब आदमी का समय खराब आता था तब कोई बोलता है, जब अच्छा समय आ जाता तब कोई तारीफ करता है। पहले विराट कोहली का समय अच्छा था, बीच में 2-2.5 साल फॉर्म नहीं था, इसलिए सब जन ट्रोल कर रहे थे। इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, मतलब कि बहुत जन ट्रोल करते थे। एशिया कप में उनको सिलेक्शन ना करने की उम्मीद सब दे रहे थे। बाद में एशिया कप में उनका सिलेक्शन हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ भी रन मारे, उसके बाद लास्ट मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ शतक मारे। अभी एक वर्ल्ड कप चालू हुआ, इसमें तो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा किए थे। ये पारी सबको याद रखेगा। आदमी का जब समय खराब होता है तब कोई बोलता है, अभी अच्छा समय आ गया विराट कोहली का, अच्छा समय रहेगा। आप लोग जरूर देखिएगा, साथ में हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। ओरिजिनल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद।